तो जी सुबह का हमारा नाश्ता हो गया, और क्या बताऊँ आपको, मेरी हालत ये देखो कैसी पागल बनी हुई, क्योंकि नीचे चल रहा हमारे घर में काम, और ये देखिए आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सीमेंट सीमेंट में हो रहा है। मैंने नीचे है ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना रूम साफ़ करा है पूरा पूरा, ये पैक हो के भैया बहुत थक गई मैं तो सच्ची में। तो अब खाना खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, लेकिन मेरी बैंगन की सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। आपको पता है बैंगन की सब्ज़ी खाने से दांत में दर्द होता है, क्योंकि उसमें होती है बादी, भिंडी बैंगन और क्या होता है, हाँ उड़द की दाल, वो सारी चीज़ें होती है जिसमें ऐसे ना बादी होती है, तो मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ ऐसी चीज़ें। और उसके बाद है ना फिर सफाई, मतलब खाना खा के फिर मुझे सफाई करनी है, मैं तो सच्ची में बहुत ज़्यादा पागल हो गई हूँ, कितनी सफाई करूँ। नीचे पूरे घर में टाइल्स लग रही है, अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ना नीचे का हाल। अभी यहाँ से फ्री हूँ, थोड़ा सा ऊपर का काम करके मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपने देखा ना यहाँ नीचे कितना सारा कबाड़ा फैला पड़ा है, और मैं कल भी है ना मैंने बहुत सारा काम करा था, पर आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने ओनली खाना बनाया है और झाड़ू वाड़ू लगाई है। नीचे का सारा मेरे हस्बैंड ने करा है, पार्लर वाला कमरा भी उन्होंने ही सेट करा है, क्योंकि है ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मेरा तो भाई बिल्कुल सच्ची में कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने तो एक टैबलेट और खाई है ताकि मेरे पैर का जो दर्द है ना ठीक हो जाए। मुझे थोड़ा जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, और है ना मेरे फेस पे स्वेलिंग, मतलब पूरी बॉडी पे मुझे स्वेलिंग वगैरह आ जाती, तो मुझे इस चीज़ का इशू है, तो जब ये सब होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जैसा मैंने आपसे बोला था, मैंने आपको दिखाया कि नीचे का क्या सब फैला पड़ा है, और मतलब कैसे पूरा दिन गुजर रहा है, कैसे भी करके है ना ये टाइम सारा हो जाए, तो है ना हमारा फिर घर में फंक्शन है 11 तारीख को, है ना रीत का बर्थडे है, और है ना जागरण है खाटू श्याम का, तो फिर उसके बाद उससे पहले ही हमें सारा फिनिश कराना है, देखते हैं कब तक ये फिनिश होगा। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और है ना ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।